घर वाले कौन है इधर, कौन रहता है? आप रहते? तो ये बदबू वाला पानी कैसे पीते हैं आप? पंच पंच मजबूरी खातर पीना पैंदा है सानू। की करिया ना, जेडे एम एन ए नाजम सारा कुछ होंगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर देगी। असी रोक ला के फिर उत्थे ही कट हो जाते। बाजी कुछ कह रहे जी? बाजी पैसे खा गए भाजा ने, कर दे कुछ भी नहीं, इतने किसी का कुछ भी नहीं करते। गलियां साफ होणगीआं ते गंदगी साफ होएगी, ना सड़कां बनदीआं ना कोई गंदगी साफ होएगी। सड़क बनी होए बंदा उहनूं धो के साफ कर दिंदा, ना गटर अगे चजते ना कोई सड़क चजदिया है। बच्चे तो स्कूल भी जाते होंगे, तो तंगी होती है। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? सकीना। सकीना बेटा, घर में तो पानी गंदा आता है, तो कैसे पीते हो आप लोग? बदबू आती पानी से आपको? यस। किस क्लास में बेटा? थ्री। थ्री क्लास में? तो मुझे ये बताएं कि बाहर जब आप निकलते हैं तो बाहर भी गंदगी है बहुत ज्यादा। आपके तो शूज भी इस वक्त मेरे ख्याल गंदे हैं बाहर की वजह से। ये दिखाएं जी बच्ची के पैर दिखाएं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो। सकीना बेटी के आप पैर दिखाएं, आपको वो गंद और गारा, इसे गारा बोलते हैं बेसिकली, गटर मिला पानी और बदबूदार से मिलके जो बन रहा है इधर, वो गारा सकीना बेटी के पैरों पे लगा हुआ है, जो तालीम हासिल करने जाती है और तीसरी क्लास में पढ़ती हैं। ये सकीना का मुस्तकबिल और हाल आप देख रहे हैं, और इसी जगह रह रहे के यहाँ क्या बनेगा उन लोगों का जो इल्म हासिल करने जाते हैं, और इल्म की रोशनी जिन्होंने आगे फैलानी है, ज़माना के साथ चलना है, चैलेंजेस के साथ चलना है। गुजारिश हैगी है कि साडा इलाका जरा साफ सुथरा हो जाए, सानू पीने पानी चंगा मिल जाए, बस साडी तो यही गुजारिश हैगी। साडे मोहल्ले च कोई फीटर भी नहीं है, बेगमकोट दे विच फीटर इधर लगा नहीं हैगा। बिजली ना बत्ती कोई चीज ही नहीं है। असी तो हुकूमत अगे यही गुजारिश कर देंगे, हुकूमत कहेगी कहती सी कि नवा पाकिस्तान बनेगा, लेकिन साढ़े वास्ते तो कोई नवा पाकिस्तान नहीं बनया है। असी मना के ता जो साडा सहूलत जी साड़ियाँ चंगी। सकीना बेटा, आप मुझे बताएं कि वजीर आला बुज़दार साहब जो हैं, उस्मान बुज़दार, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा इलाका साफ नहीं होता इधर से। ये बहुत बड़ी तादाद यहाँ बच्चों की है, गैर मामूली तादाद है, और पूरे मोहल्ले में बड़ी तादाद बच्चों की है। मेरे साथ आप आइए, दीगर इलाकों का भी आपको सर्वे करवाते हैं, और इस गंद और गलाजत में ये कैसे जीते हैं कि घरों के अंदर पीने का पानी क्या कह रहे हैं? मैं 5-6 साल हो गए ने ते गंदगी है, कोई साड़ी सौंदा नहीं है। ओहो 5-6 साल हो गए गंदे पानी को इधर खड़ा है, बच्चे बीमार होते, नमाजी जो बारिश पैती है गंदा पानी पीने वाली जगह च आ जाता है, तो नमाजी फिर उल्टियाँ करते हैं, नमाज ही मकरूह हो जाती है, कोई बात ही नहीं। इधर सौंता बोर्ड ला के साहब निकल जाते हैं, तो इधर कहते हैं पानी इधर पाते हैं, पैप पाते हैं, नालियाँ पाते हैं, ना इधर से कोई गैस आया, बाहर उन्होंने ट्यूबवेल पानी साफ पानी के ट्यूबवेल लगा दिए, इधर इधर किसी ने नहीं लगाया। ठीक बात है जी, ये बात ठीक है। और कौन से घर हैं जी इधर? आए जी, आगे चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए और नज़ारा कीजिए। आज ये वो नज़ारा है जो आप देखकर, एला सारा गंदा इलाका, पानी भी साफ आता, एला ते गंदा पानी बाहर ही साफ होता है, उतरो सी बड़ा हवादार होते हैं। सही बात है, ये आप देख सकते हैं। सामने क्या चाचा, क्या हाल है? चाचा पीने का पानी घर में साफ आता है? सर पानी गंदा आता जी, ते गलियां बाजार साडा हाल देखो कीजे, ना गैस ना कोई साढ़े पानी ना गटर ना कोई शायद साढ़ेगी बहुत की हो जाए, कोई इधर से सुनता नहीं बात। बुजुर्ग बंदे ने वो पहुंचे ता करके नमाज को कोई हाल नहीं होता, तो कोई हाल नहीं है, तो गुनाह उन्होंने भी मिलना है जिन्होंने गलियां का काम नहीं करवाना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आए, क्या नाम है आपका? ताशा। आप किस क्लास में बेटा? 5 में। तो बेटा इधर पानी साफ आता है आपके घर में? नहीं गंदा आता, इतनी दूर से पानी लाते हैं।
पानी गंदा आता है, बदबू वाला आता है। तो बेटा जब आप बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कैसे जाते हैं बाहर? तो चलने का इधर कोई निजाम ही नहीं है, गंदी सारी गली है, सारी गली गटर बनी हुई है, गटर बनी है। जो बारिश आती है तो गटर उछल जाते हैं, तो बच्चे को आवाजारी होती है, स्कूल जाते हैं कोई नमाज पढ़ने जाते हैं तो आवाजारी होती है, अगर चेटा गंदियां पै जाती हैं तो नहीं देते, नमाज पढ़ने चले जाते हैं। किसी बच्चे या बच्ची को मिली नगमा आता है? कोई मिली नगमा आता है? सुनाए। मेरे वतन की अकीदते और जान तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन की अकीदते और जान तुझ पे निसार कर दूं, एक जहां क्या हजार हो तो हजार तुम पे निसार कर दूं, मेरे वतन की अकीदते और जान तुझ पे निसार कर दूं। पाकिस्तान पाकिस्तान। ये यहाँ की जी सूरत हाल है, और भी घर हैं, और भी घर हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ आप जब झूझू आगे चलते जाएंगे, रास्ता ब्लॉक है। अब हमने घरों का सर्वे करना है, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक है, यहाँ से आप जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ रास्ता ब्लॉक है सारा। और ये बच्चे भी जो आपको चलते नजर आएंगे, जोड़ों में से गुजरते हुए नजर आएंगे, ये इनके बूट आप देख सकते हैं, इनके हुलिये और इनके हालात आप देख सकते हैं। इन हालात में हालात जो हैं वो ना सिर्फ खराबी का शिकार हैं, बल्कि ये जोहड़ मिला पानी, गटरों मिला पानी, ये देखें गटर ने देखो की हाल गटर जी, अभी नंग नहीं सकते नहीं देखो जी, घरों में जो पानी जाता है गटरों का मिला पानी, गटर जाता है, गंदा जाता है पानी, गटरों मिला पानी। हाँ जी हाँ, यहाँ से गुजरना जी बहुत मुश्किल है। और इस सारे हालात में पानी का सर्वे जब आप करेंगे और यूसी 5 में जब आप पानी का सर्वे करेंगे तो यहाँ नामुमकिन है चलना, क्योंकि नीचे आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, नीचे आपको चलने के लिए गटर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर क्लोज से थोड़ा दिखाएं तो ये जहाँ से भी आप गुजरेंगे, गुजरगाहें गटरों का रूप ले चुकी हैं, गंदे और बदबूदार पानी का रूप ले चुकी हैं, और इसकी वजह से यहाँ तफुन है, बदबू है। और ये जिन जिन घरों में हम सर्वे करने जा रहे हैं, रस्ते में जो आपके हालात हैं वो आप देख सकते हैं। थोड़ा करीब अगर करें कैमरामैन साहब, तो यहाँ आपको पता चले कि किस कदर बड़ा जोहड़ बन चुका है, और बिल्कुल खंबे के नीचे ये जोहड़ बना हुआ है, चौराहा भी है ये, और यहाँ ये जोहड़ जो है ये लोगों की जिंदगियाँ उसने अजीरण की हुई हैं। और अंदर अगर चले जाएं पानी पीने के लिए, तो इसकी हालात आप सोच नहीं सकते कि किस कदर ख़राब हालात हैं, पानी के बदबू वाला पानी है। किस तरफ चलेंगे जी? चेयरमैन बन जाते शेर शेर। थोड़ा क्लोज से दिखाए कैमरामैन साहब दोबारा से, जोहड़ में दिखाए बच्चे खड़े हुए, जोहड़ में दिखाए बच्चे, और खंबे के साथ ये जिस तरह से मस होते हैं ये भी खतरनाक सूरत हाल है जी। कहाँ जी पानी और खराब, आए जी आगे चलते हैं, आपको खराब पानी दिखाते हैं, गंदा पानी, साफ पानी कहीं मुयसर नहीं है यहाँ, हर जगह जहाँ से भी आप गुजरेंगे आपको गंदा पानी ही मिलेगा। और इसी सूरत हाल में जब ये लोग गुजरते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के हालात आप देख सकते हैं, इन हालात में इनका यहाँ सेहतमंद रहना, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। और ये यहाँ सूरत हाल है, यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी कोई हो सकता है जी, ये आप हालात देख सकते हैं। ये वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ आपको गंदा पानी पीने वाला दिखाना है कि अंदर से घरों में से पीने वाला पानी गंदा है, लेकिन यहाँ गुजरगाह ही नहीं है, गुजरगाह ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? गटर खुला है, ये तो बच्चा भी गिर सकता है, गिर सकता है, एक बच्चा डिग गया, बच्चे कई बार गिरे हैं यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से पकड़े उसको, इतने तक चला गया बच्चा, इसमें बहुत उठाया उसको, गोते लग रहे हैं, बालों से उठाया उसको, गिर जाते हैं, टक्कर नहीं है, कड़ा भी नहीं है, बड़ा बड़ा बनया है, खड्डा बनया है, बड़ा बड़े 30 साल पुराना लाग है, मैंने सब देख के जा रहे ने, कोई हल नहीं है मसला है, ए पंचे नमाज नहीं पढ़ने जा सकता, जब मस्जिद में जाए तो घरों में पानी पीने वाला जो है वो सारा गंदा है, नालों से आ रहा, ऊपर से कहते हैं बोर्ड दो,
तो क्या नाम है आगे करेंगे, मतलब से आप करेंगे तकरीबन 15 साल हो गए ये गली ऐसे ही है। जो भी बोर्ड लेने आता है ना वो सब बोर्ड लेकर चल जाते हैं, कोई भी हमारा काम नहीं करता है। वापस नहीं आते ना, वापस नहीं आते। तकरीबन है 6-7 साल तो है, अद्धा बाजार बनया है, अद्धा बाजार बनया, मुड़ के कोई काम नहीं होया, सरकारी पानी नहीं है, इस मेन बाजार च गैस नहीं है, कुछ नहीं है। यह सब गलियां कच्चियां है, यह मेन बाजार अद्धा बनया है, बाकी गलियां टोटल कच्चियां है। ਖਵਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਮ ਪੀ ਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਖਵਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਇਹ ਅਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਆਪਕੋ ਔਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, सूरतेहाल दिखाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बच के रहे, गटर है यहाँ, बच्चे जरा साइड से गुजरे जी। यहाँ सूरतेहाल बहुत ख़राब है और यहाँ से गुजरते हुए लोगों को धड़का लगा रहता है कि किस तरीके से वो जिएंगे। चेयरमैन का घर किधर है? आगे चेयरमैन साहब कोई मदद नहीं करते? चेयरमैन साहब कोई मदद नहीं करते? नहीं मदद नहीं करते, आते हैं चले जाते हैं, वहाँ दो मिनट खड़े होकर चले जाते हैं। ये जी आपको पानी, गंदे पानी का जो घरों में से पीने का मिलता है उसका सर्वे दिखा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता जहां से हम गुजर के जा रहे हैं ये उस रास्ते की कंडीशन है। यहां से आप हिसाब लगाएं कि इस मेन बाज़ार में और इस मेन बाज़ार में से गुजरते हुए लोगों के हालात क्या होते होंगे और लोग किस तरीके से जीते होंगे, ये आप देख सकते हैं। जहाँ से हमने गुजरना है ये वहाँ की सूरत हाल, ये गुजरगाह की सूरत हाल है और पानी के मसाइल लोगों के उसी तरह की उसी तरह। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੈਸ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਗਟਰ ਸੀਵਰੇਜ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਪ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਧਰ ਔਰ ਕੌਣ ਸੇ ਘਰ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਤਾ? ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਹੀ, सारे जो घर जितने भी हैं सब गंदा पानी सबके घर में। जी घर दिखाएं हमें, घर दिखाएं जी, आपको घर दिखाते हैं ताकि आपको डिटेल सर्वे का पता चले कि जो भी आप दरवाजा खटखटाएंगे वहां आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। ये अब कुछ हालात बेहतर हैं, यहां कुछ सोलंग लगा आपको नजर आएगा थोड़ा बहुत, ये अब कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन निसफ से ज्यादा जो यहाँ का मेन बाजार है उस मेन बाजार की सूरत हाल ये है कि यहाँ बच्चे जो मुस्तकबिल है लाहौर का, जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो गंदगी में और इस गलाजत में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। जब बागों में गए या रसूल अल्लाह, तितलियों ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब दरियाओं में गए या रसूल अल्लाह, मछलियों ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब कब्र में गए या रसूल अल्लाह, फरिश्तों ने कहा सुबहान अल्लाह। जब जन्नत में गए या रसूल अल्लाह, हूरों ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये तो गहरा पानी है और ये बदबू वाला भी है, बदबू वाला पानी। ये बदबू वाला पानी है, अभी ये आ रहे ये पी रहे हैं हम। कैसे पीते हैं? बस गुजारा जो करना ही है। ये सूरत हाल है जी यहाँ की, और यहाँ जिस भी जगह आप चले जाएं ये आपको ना सिर्फ गंदा पानी मिलेगा और गलियों के बाजारों के मेन बाजारों के हालात आपने देख लिए, और सबसे बढ़कर इधर देखिए माशाल्लाह से बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज नहीं तो कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालना है, पूरा निज़ाम संभालना होता है। बच्चे हमेशा मुस्तकबिल होते हैं, उन मुस्तकबिल के साथ बच्चों के साथ ये सलूक कि उनको चलने फिरने की जगह भी मुयसर नहीं है, पार्क तो दरकुनार, जो जिस जगह से उन्होंने गुजरना होता है, जो गुजर गए हैं सादी सी बात वो भी कम्प्लेक्स आपको नज़र आएगी कि जो बच्चे भी यहाँ से गुजरेंगे वो आपको उनके पैर सलामत नज़र नहीं आएंगे, उनके पैरों पर आपको गारा लगा हुआ, गंदगी लगी हुई, और ये बदबू के जितने भी मामला हैं यहाँ वो सारे के सारे ये अपने साथ अपने दामन में समेटे हुए फिरते हैं, और जब ये स्कूल जाते होंगे तो सारे बच्चे इनसे दूर होकर बैठते होंगे कि साइड पे हो जाओ यार, तुमसे बदबू बड़ी आ रही है। इस तरह होता है आपके साथ? किसके साथ हुआ है?
क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ? वेखो मेरे हाथ उठ गया, मैं पानी दे विच उठ गया, मेरे हाथ पाड़ गया ते गंदा पानी सी ते मैं विच डूब गया तेरा ते अदर मैं गया ते फिर मैं डिग गया अदर पानी। क्या होता है जी बदबू जब आती है? हम जाते हैं स्कूल रात में बदबू आती है, सारी बदबू आती है, सारे घर से बदबू आती है। जी बेटा वहाँ पे पानी खड़ा हो ना, तो ये पानी वहाँ तक खड़ा होता, वो चौक तक खड़ा होता, वहाँ से लाके यहाँ तक खड़ा होता पानी, तो इतना पानी होता है यहाँ पे, इधर नमाज पढ़ने वाले जनाजा जो भी होता है। आपके शुक्र पानी गंदा आता है आपके घर से? बहुत गंदा पानी आता है, स्मेल आती है पानी, जो बदबू आ रही है। हाँ जी स्मेल आ रही है, बाहर भी आपके हालात खराब है, बाहर भी गटर उछले रहते, गोटे गोटे पानी हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाए दवाई नहीं ला सकते, असि इन्हें परेशान हो जाते हैं।